हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। मोशन और रेस्ट कैसे होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अब रिलेटिव टर्म्स क्यों है? क्योंकि ये हमारा परसेप्शन होता है। परसेप्शन यानी देखने का नजरिया है। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन अर्थ। हमने कहा कि दिस इज एन अवर अर्थ। अब हमारी अर्थ टू टाइप्स ऑफ मोशन परफॉर्म करती है। वन इज रोटेशन, अनदर इज द रेवोल्यूशन। अब कोई पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो किस में है? रेस्ट में है, क्योंकि वो यहाँ पर रेस्ट में है, बैठा हुआ है, अभी सिटिंग है, सिटिंग कंडीशन में है, इसलिए वो कैसा है? रेस्ट में है। लेकिन एक कोई पर्सन यहाँ स्पेस में सिचुएटेड है। कहाँ पर है? स्पेस में। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉट। अब अगर ये एस्ट्रोनॉट इस पर्सन को देखता है, ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन के अकॉर्डिंग तो वो रेस्ट में है, लेकिन एस्ट्रोनॉट के अकॉर्डिंग चूंकि अर्थ मोशन में है, इसलिए ये पर्सन भी किस में होगा? मोशन में होगा। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट आपस में कैसे होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती, मतलब पूरे तरीके से रेस्ट में नहीं हो सकती। ये परसेप्शन पर डिपेंड करेगा कि आप एक ही समय में अपने लिए रेस्ट में है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए आप किस में आ जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि फ्लाइंग काइट, रनिंग कार, प्लेइंग किड्स। तो ये सभी चीजों के बीच में क्या कॉमन है? यहाँ पर कॉमन है मोशन, यानी एवरीवन इज इन अ मूविंग स्टेट। सभी चल रहे हैं। अब कोई भी पर्सन जब चलते हैं या कोई भी चीज जब चलती है, तो क्या सभी लोग एक ही तरीके से चलते हैं? नहीं, अलग तरीके से भी चलते हैं। तो अगर ये अलग अलग तरीके से चलते हैं, तो इसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, कि कोई भी चीज कितने तरीके से चल सकती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज रेक्टिलिनियर। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मीन है अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पर्सन या कोई थिंग स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, तो आप उसे बोलेंगे इट इज इन अ रेक्टिलिनियर मोशन। द सेकेंड वन इज अ कर्विलिनियर मोशन। Now we are discussing about curvilinear motion. तो curvilinear motion का मतलब है कि अगर कोई object travel करते समय किसी straight path को travel ना करके किसी curve path पर travel करे। अब curve path जैसे ये हो गया irregular path, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका curvilinear motion। मान लीजिए कोई circular path है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? curvilinear motion हो जाएगा। लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं? सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये किसमें मूव कर रहा है? सर्किल पाथ पर मूव कर रहा है, इसलिए ये है सर्कुलर मोशन। बट समटाइम्स व्हेन अ बैट्समैन हिट द बॉल, तो बॉल जो है कुछ इस तरीके का यू शेप पाथ ट्रेवल करती है, एंड दैट पाथ इज सेड टू बी अ पैराबोलिक पाथ। क्या कहलाएगा? पैराबोलिक पाथ। तो ये हो गया अबाउट द कर्विलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल ना करके किसी अनदर पाथ पर ट्रेवल करे, तो वो पाथ आपके क्या कहलाते हैं? कर्विलिनियर पाथ कहलाते हैं, और वो मोशन आपके कर्विलिनियर मोशन कहलाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट सर्किल पर मूव करेगा, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। क्या करता है? सेम डिस्प्लेसमेंट। और शर्त यह है या कंडीशन यह है कि यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन भी हो सकता है और कर्वी लिनियर मोशन भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है?
के ऑब्जेक्ट ट्रेवल आ सेम डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में भी चले या कर्व पाथ पर चले, लेकिन अगर उसका डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऐसी कंडीशन में परफॉर्म मोशन जो है क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। स्टूडेंट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्विंग, स्विंग यानी झूला, झूले का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर घड़ी का पेंडुलम। अब देखते हो कि ये भी क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो आगे और पीछे क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, और इसी को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अपनी मेन पोजीशन के अलोंग ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट और टू एंड फ्रो मोशन जो है क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। लेकिन अगर यही मोशन बहुत तेजी से होने लगे, तो इन्हीं मोशंस को हम वाइब्रेटरी मोशंस भी कहते हैं। यही डिफरेंस है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन के बीच में, कि ऑसिलेटरी मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जो है बहुत धीरे धीरे अपनी मेन पोजीशन के लेफ्ट एंड राइट मोशन करता है, जबकि वाइब्रेटरी मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जो है बहुत तेजी से अपनी मेन पोजीशन के अलोंग मोशन करता है। इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कैसा होगा, शॉर्ट होगा, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो दीज आर ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का जो पेंडुलम है वो अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। सेम एज गिटार की स्ट्रिंग हो गया, ड्रम बीट हो गया, ये सभी क्या करते हैं, वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन से डिस्कस किए हमने यहाँ पर, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ऑल्सो अ वाइब्रेटरी मोशन। अब अगर इन मोशंस में इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस की बात आ जाए तो यही मोशन जो है पीरियडिक और नॉन पीरियडिक मोशन में क्लासिफाई कर दिए जाते हैं, जिनको हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मीन है इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो नोन एज पीरियडिक मोशन, इसको हम पीरियडिक मोशन भी कहते हैं। दूसरा वर्ड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने कहा कि इक्वल टाइम में अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम उसको बोलते हैं इन अ यूनिफॉर्म मोशन और पीरियडिक मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो आप उसको बोलेंगे इट इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो नोन एज नॉन पीरियडिक मोशन, इसको आप नॉन पीरियडिक मोशन भी कह सकते हो, क्योंकि इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे। यहाँ पर टू और कंडीशन भी आप ले सकते हो, जिससे अनइक्वल टाइम में आप उसको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा दीजिए। कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम अनइक्वल है लेकिन डिस्टेंसेस जो है इक्वल है, तब भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, यानी नॉन पीरियडिक मोशन कहलाएगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज अनइक्वल टाइम एंड अनइक्वल
डिस्टेंस, यानी दोनों ही इक्वल पीरियड में रिपीटेड नहीं है, टाइम कहीं जा रहा है और डिस्टेंस कहीं पर है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है। सही मायनों में तो आप इक्वल टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अनइक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस में भी ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। अनइक्वल टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंस की कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक ट्रैफिक रोड पर कार रन करते हैं तो क्या उस दौरान आप इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ये कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर आप 1 आवर में 10 किलोमीटर, 2 आवर में 20 किलोमीटर, 3 आवर में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो रेशियो निकलेगा वो कैसा आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ पीरियडिक मोशन। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियडिक मोशन और नॉन पीरियडिक मोशन, ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एटसेट्रा।